22 तारीख को सुबह 4 बजे कंप्लेंट वो लिखी है ना, एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर मिसिंग रिपोर्ट लिखी थी सर। और मैं जो 11 तारीख को 3 बजे मेरी लड़की गई है 11 मई को, कि मैं जो है ना गाना गाने के लिए जा रही हूँ बिहानी, कल आ जाऊंगी। फिर शाम ने हमने फोन किया तो उन्होंने बोली कल आ जाऊंगी। फिर दोबारा फोन किया घंटे बाद तो कहा मेरे को सोने दो, सिर में दर्द है। फिर अगले दिन जो लड़के का नंबर दे कर गए थे तो उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। हाँ, फिर अगले दिन जब हमने फोन किया तो लड़का बोला मेरे पास है इस नंबर से बात करा, बात करा दो। उन्होंने बोला एक घंटे के बाद बात कराऊंगा, बोला एक घंटे। उसके बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। मेरी बेटी का तो पहले हो गया था, उसने अपना फोन स्विच ऑफ। उसके बाद आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं? उसके बाद हम वैसे सोचते रहे कहाँ गई, फोन नहीं मिल रहा, फोन में बैटरी नहीं है, फोन खराब हो गया। फिर हमने अगले दिन पूछताछ करी तो किसी ने बता, हमने बोला इसकी लोकेशन निकालो तो किसी ने लोकेशन निकाली तो क्योंकि ये हमारी बेटी हरियाणा में कलानौर जो कि रोहतक जिले का आखिरी कस्बा है उसमें के साथ में गुलाटी ढाबा है, उसमें वो मतलब फोन में आ गई उसकी, वो जो निकालते हैं तो उस फोन में आ गई। उस फोन में जो है ना वो ऐसे भी घूमती है बस, वो गाड़ी से उतरती भी दिखा, वैगनार गाड़ी है सफेद रंग की, हाँ सीसीटीवी, हाँ उसमें जो है ना वो बैठती भी दिखाई गई है और उतरती, और तीन लड़के और भी हैं और वे जो गाड़ी के आगे आगे चलते हैं। और परिवार के साथ धक्का, फिर उसके बाद वो मैम थाने की तरफ चली गई। हमने पुलिस को बताया जी ये लोकेशन ये है, तो पुलिस वालों नहीं माना, बोला ये तो गलत है, तू कहाँ से लिया, जो जिस लड़के के फोन में जो लड़के को ही बैठा लिया आइयो ने, अब उसको छुटवाए क्या करें। फिर उसके बाद में जो सने ये 14 तारीख की बात, उसके बाद 15-16 तारीख को हमने फिर जो सने 16 तारीख को मेरी लड़की फिर गई तो उन्होंने कैमरे से वो फुटेज निकालने के लिए मना कर दिया। 17 को फिर गई लड़का लड़की, फिर वहाँ की पुलिस ने यहाँ फ़ोन किया, इन्होंने वापस फ़ोन किया जी, वो कैमरे की फुटेज लेके आए। फिर हमने साफ कर दिया, देखो ये कौन है जी, बोला चलो यहाँ के जितने जो इसके लड़की के साथ सिविल डिफेंस में नौकरी करते थे ना उन्हीं को बुला लिया, अब ये किस किस के फ़ोन है, लेकिन असलियत की तरफ कदम नहीं उठाया। हाँ हाँ जी, अच्छा उस मेरी मांग ये है कि देख मेरी बात सुनो, जिन्होंने मेरी लड़की के साथ गलत काम किया, गैंग रेप किया, जिन्होंने मेरी लड़की को मारा, उनके और उस और एक आदमी का काम नहीं, 10 आदमियों का काम है। और रवि नाम के लड़के के माँ बाप और उसके उसकी दादी के भाई उसके मामा को जो उसने सब की मिली भगत है, उन्होंने मेरे को एक बार धमकी दे रखी, हम तेरे को मार देंगे तेरे को। उनसे पूछताछ कि किस किस ने मारी है मेरी लड़की और किस वेश पे मारी है, मेरे को इस बात का पता होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने जितनी ढील बदली इनको भी कुछ ना कुछ दंड मिलना चाहिए, और मेरी लड़की को जो सुनो हत्यारों को भी दंड मिलना चाहिए।